यदि आप कक्षा 10वीं ओपन परीक्षा दिलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे कक्षा 5वीं है, कक्षा 8वीं है, इसका मार्कशीट नहीं है, है ना, आपने कक्षा पहली दूसरी तीसरी चौथी पढ़ाई करके छोड़ दिया है, लेकिन अब आपको कक्षा 10वीं से ओपन परीक्षा दिलाना है, तो इसमें ओपन परीक्षा में एज लिमिटेशन नहीं होता है, कोई भी एज का व्यक्ति ओपन परीक्षा दिला सकता है। हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कक्षा 10वीं ओपन परीक्षा की। यदि कोई भी भाई बंधु बहन ओपन परीक्षा कक्षा 10वीं दिलाना चाहते हैं और वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, जैसे कक्षा 5वीं का आपके पास रिजल्ट नहीं होगा या 8वीं का रिजल्ट नहीं होगा, तो आप लोग जो है अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर कक्षा 10वीं का फॉर्म भर सकते हैं। डेफिनेटली मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, आप कोई भी स्टेट से हो, जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ से ही हो, है ना, अगर आप सच में कक्षा 10वीं का परीक्षा दिलाना चाहते हैं और आपके पास 5वीं 8वीं का मार्कशीट नहीं है, तो आप लोग अपने जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड लगाकर कक्षा 10वीं का ओपन परीक्षा सीधा डायरेक्ट दिला सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन 5वीं का है, तो आप लोग कक्षा 5वीं के बेस पर कक्षा 10वीं का परीक्षा एग्जामिनेशन दिला सकते हैं, यानी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास 5वीं का कार्ड नहीं है, 8वीं का कार्ड नहीं है, किसी कारणवश गुम हो गया है, तो आप स्कूल के टीसी जानते होंगे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, आप लोग जो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र लगाकर भी ओपन परीक्षा दिला सकते हैं, लेकिन स्थानांतरण टीसी जो है कक्षा 5वीं या 8वीं का होना चाहिए, यानी बोर्ड कक्षा का ही टीसी मान्य होता है। जैसे आपने कहीं कोई स्कूल में 5वीं पढ़ा होगा, बहुत सालों के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दिया है, मतलब पढ़ाई छोड़ कर बैठ गए हैं, अब आपको कक्षा 10वीं का एग्जामिनेशन दिलाना है, तो आपके पास टीसी प्रमाण पत्र होगा या नहीं होगा, तो आप अपने स्कूल में जाके संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से टीसी ले सकते हैं। ठीक, तो वहाँ से जब टीसी मिल जाएगा तो उसकी फोटोकॉपी और आधार कार्ड के बेस पर आप लोग जो है कक्षा 10वीं का एग्जामिनेशन दिला सकते हैं। तो तीन महत्वपूर्ण बातें मैंने इस वीडियो में बताया आपको। यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट 5वीं 8वीं का अंकसूची नहीं है, तो आप लोग अपने जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर कक्षा 10वीं का ओपन परीक्षा दिला सकते हैं, यानी बिना किसी डॉक्यूमेंट के, मात्र जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर। दूसरा बात, यदि आप कक्षा 5वीं पढ़कर छोड़ दिए हैं, तो कक्षा 5वीं का सर्टिफिकेट लगाकर भी आप कक्षा 10वीं ओपन परीक्षा दिला सकते हैं। तीसरी बात, यदि आपके पास 5वीं 8वीं सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो आप लोग अपने स्कूल का टीसी जो होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, उसको भी लगाकर आप लोग जो है कक्षा 10वीं ओपन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोग को बताया। यदि आप वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है, ताकि प्रत्येक लोगों पर ये वीडियो जाना चाहिए। और मैंने एक बात जानकारी और दिया था कि इसमें एज लिमिटेशन नहीं होता है, कोई भी बंदा, यानी कि कोई भी व्यक्ति, है ना, किसी भी उम्र के हो, ओपन परीक्षा में बैठ सकता है। बस मैंने जो जो शर्त बताया है ना, वो आपके पास होना चाहिए, या तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो 5वीं का रिजल्ट होना चाहिए, या तो 8वीं का रिजल्ट, है ना। 8वीं का नहीं है तो आप 5वीं के बेस पर दिला सकते हैं, और 5वीं 8वीं दोनों नहीं है तो आप टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है, उसको लगाकर भी आप कक्षा 10वीं का एग्जामिनेशन दिला सकते हो, बैठ सकते हो। तो वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद।